आगरा में शाहगंज पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 25 साल के मासूम को कराया रिहा। अपहरणकर्ता को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मथुरा के वृंदावन से रिहा कराया गया मासूम मयंक। मुरादाबाद में डीजे बजाने के विवाद में छात्र को गोली मारी। वारदात के समय छात्र अपनी दुकान पर बैठा था, हमलावर गोली मारकर हुआ फरार। पुलिस ने 4 युवकों के खिलाफ दर्ज किया। बरेली में राजधानी ट्रेन से गिरकर घायल हुए सेना के जवान की हुई मौत। ट्रेन पर चढ़ते समय हुआ हादसा। 3 सर्जरी के बाद भी जिंदगी की जंग हार गया सेना का जवान। मेरठ में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली नमक बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। टाटा कंपनी के पैकेट में पैकिंग कर बेचा जा रहा था। ग्रेटर नोएडा में जिला कारागार में 26 बंदी HIV पॉजिटिव मिले हैं। जिला अस्पताल में सभी को करवाया गया भर्ती। अक्टूबर में जिला जेल में शिविर लगाकर जांच की गई थी। मुजफ्फरनगर की एक महिला ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। लंदन से बेटी वापस लाने की लगाई गुहार। महिला का पति धोखे से बच्ची को ले गया लंदन। काशी तमिल संगमम में आए तमिल के तीसरे ग्रुप का स्वागत किया गया। दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत हुआ। शाहजहांपुर में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के करीब आने से सपा को कोई फायदा नहीं होने वाला। हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने विकास योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में जिले के विभिन्न विभागों को काम में लापरवाही बरतने पर लगाई फटकार। मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी में चल रहे चिंतन शिविर के तीसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आए। अकेडमी गेट पर तैनात जवानों का हालचाल पूछा। उत्तरकाशी में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत मनाया जाएगा गंगा उत्सव। उत्तरकाशी के केदार घाट पर गंगा किनारे योग किया जा रहा। गंगा को स्वच्छ रखने का संकल्प। बड़कोट में यमुना घाटी की ऐतिहासिक देवलांग उठाते ये हादसा हुआ। देवलांग टूटने से 2 लोग घायल। देवलांग पर्व को मनाने के लिए अब लाई जा रही देवदार की दूसरी ब्लॉक। विकास नगर के जौनसार में बूढ़ी दिवाली की शुरुआत। 5 दिनों तक मनाई जाती है बूढ़ी दिवाली। लोग सुबह लकड़ी को ओले लेकर करते हैं पर्व की शुरुआत। आज झांसी और प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। निकाय चुनाव को लेकर सीएम प्रबुद्ध सम्मेलन को करेंगे संबोधित। सीएम योगी झांसी से बुंदेलखंड को देंगे करोड़ों की सौगात। बीजेपी ने मैनपुरी उपचुनाव को लेकर जो की ताकत। भूपेंद्र चौधरी बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को करेंगे संबोधित। आज भाजपा में शामिल हो सकते हैं सपा के कुछ नेता। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर एक्शन में समाजवादी पार्टी। आज करहल विधानसभा क्षेत्र में अखिलेश यादव का जनसंपर्क अभियान। किशनी में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव का जनसंपर्क। खतौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा की घेराबंदी। खतौली में रहेंगे पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और बूथ स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे बातचीत। मथुरा के जवाहर बाग कांड में आज हाईकोर्ट को सीबीआई सौंपी की जांच रिपोर्ट। खुल सकते हैं कई बड़े राज। 6 साल पहले हुए बवाल में 2 पुलिस अफसरों समेत 29 लोगों की गई थी जान। कानपुर में कोयले से लदे मालगाड़ी के डिब्बे में लगी आग। फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर पाया गया काबू। जूही थाना क्षेत्र के परमपुरवा जूही यार्ड की घटना। सीतापुर में किन्नरों के बीच सड़क पर जमकर बवाल। बच्ची को गोद लेने के विवाद में हुआ हंगामा। किन्नरों ने पुलिस की गाड़ी पर किया पथराव। बदायूं में संदूक के भीतर से मिला हनुमान मंदिर के पुजारी का शव। इलाके में सनसनी। करीब 15 वर्षों से हनुमान मंदिर में रहते थे बाबा हंसराज। गाजियाबाद में हिंडन पुल पर धरने पर बैठे छात्र। विजयनगर थाने के जल निगम चौकी इंचार्ज पर लगाया मारपीट का आरोप। छात्रों ने पैसे नहीं देने पर मारपीट का लगाया आरोप। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर टैंकर में लगी आग। वायरिंग में शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा। टैंकर चालक और हेल्पर ने कूदकर बचाई जान। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर चेन्नई से आए अतिथियों का स्वागत किया गया। डमरू वादन के साथ रेड कार्पेट बिछाकर उनका स्वागत हुआ। बस्ती में गड्ढा मुक्त अभियान को पलीता लगा रहे पीडब्ल्यूडी के अफसर और ठेकेदार। सड़क पर पुराना मोबिल डालकर बिछाया जा रहा डामर। हादसे भी उखड़ रही है नई सड़कें। लखनऊ में LDA की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। LDA टीम और बिल्डिंग मालिक दिलीप सिंह बिष्ट में जबरदस्त नोकझोंक। फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पर चढ़ते वक्त महिला ट्रेन के नीचे आ गई। सादी वर्दी में तैनात GRP के सिपाही ने महिला को खींचकर बचाई जान। लखनऊ में आक्रोशित अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट के गेट पर मृतक अधिवक्ता का शव रखकर प्रदर्शन किया। अलीगंज में सड़क हादसे में मौत हुई थी। 50 लाख के मुआवजे की भी मांग। आगरा में मासूम के अपहरण से पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। घर के बाहर खेल रहे मासूम को उठाकर ले गया युवक। थाना शाहगंज के दौरेठा का मामला। रामपुर में आजम खान ने कई लोगों को ज्वाइन कराई पार्टी का। रामपुर में हो रहे जुल्म को आने वाली नस्लें सदियों तक याद रखेंगी। जुल्म और अन्याय का अध्याय होगा खत्म। केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में किया प्रचार। कहा नहीं बचेगी सपा की कोई विरासत। विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले। मैनपुरी में उपचुनाव को लेकर बोले मंत्री नरेंद्र कश्यप। भाजपा को मिल रहा जनता का आशीर्वाद। रामपुर और आजमगढ़ के बाद अब मैनपुरी में भी खिलेगा कमल। यूपी सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी ने अहमदाबाद में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में किया जनसंपर्क। कहा गुजरात में एक बार फिर से भाजपा की जीत होगी। नहीं गलेगी मतलब परस्त राजनीतियों के बाद। गाजीपुर से BSP सांसद अफजल अंसारी ने करोड़ों की सड़क का किया शिलान्यास। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई जा रही सड़क।
सीतापुर में थाना अध्यक्ष की गाड़ी पर पथराव, बच्ची को गोद में लेने को लेकर दो पक्षों में चल रहा था विवाद। लखनऊ में गर्दन पर चाकू रखकर युवक ने पढ़वाया निकाह, हरियाणा ले जाकर के शारीरिक शोषण किया, पुलिस ने लव जिहाद के आरोपी को गिरफ्तार किया। बिजनौर में दिनदहाड़े बाइक सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने बीबीए के छात्र के सीने में गोली मारकर हत्या कर दी, वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हुए बदमाश। आजमगढ़ में फर्जी दस्तावेज लगाकर 24 साल से शिक्षक की नौकरी करने वाला गिरफ्तार हुआ, पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, जेल भेजा। गाजीपुर में सीजीएम कोर्ट के आदेश पर हॉस्पिटल की कुर्की का नोटिस चस्पा, बीते दिनों अवैध अस्पताल में प्रसूता की मौत हुई थी, मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही फरार है आरोपी। बागपत में नाबालिग छात्रा जंगल से सकुशल बरामद कर ली गई है, पुलिस ने छात्रा को मेडिकल के लिए भेजा, पुलिस कल अदालत में लड़की के बयान कराएगी दर्ज। लखनऊ विकास प्राधिकरण में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा, जाली दस्तावेजों के सहारे 30 से ज्यादा जमीनों को फर्जी तरीके से कराई गई रजिस्ट्री, गोमती नगर के 22 मामले सामने आए। अमरोहा में दरोगा के बेटे के बहू ने अवैध तमंचे से खुद को गोली मारकर की आत्महत्या, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुजफ्फरनगर में हत्या का सनसनीखेज मामला, युवक ने महिला की कुएं में गिराकर हत्या की, महिला ने युवक पर लगाया था चोरी का आरोप। शामली में भाजपा नेता और पूर्व चेयरमैन अरविंद संगल को कोर्ट ने भेजा जेल, एससी एसटी के मुकदमे में 4 दिन पहले भाजपा नेता के लिए जारी हुआ था गैर जमानती वारंट। बुलंदशहर के रदिया थाना प्रभारी पर ढाबा संचालक से गाली गलौज और मारपीट करने का आरोप, फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की धमकी भी दी गई। बरेली में बेखौफ बदमाशों ने लूट की सनसनीखेज वारदात को दिया अंजाम, धूम स्टाइल में बदमाशों ने लकड़ी व्यापारी को बनाया निशाना, पलक झपकते ही नोटों से भरा बैग ले उड़े चोर। रायबरेली में दिनदहाड़े लूट की घटना को अंजाम देने वाले लुटेरे सीसीटीवी में हुए कैद, बाइक पर सवार लुटेरों ने मुंह पर लगाया था मास्क। वृंदावन शोध संस्था में गुरु पंडित तोताराम शर्मा की स्मृति समारोह में किया गया कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में राधेश्याम शर्मा, मोहन श्याम शर्मा, हरे कृष्णा वृंदावनी ने अपनी कला से समा बांध दिया। वृंदावन शोध संस्थान और ब्रज संगीत परिषद वृंदावन के तत्वावधान में राष्ट्रपति अवार्डी पंडित श्री तोताराम शर्मा गुरुजी की प्रथम पुण्यस्मृति मनाई जा रही है और उनके इस आयोजन में उनके शिष्य देश से विदेश से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ श्रीधाम वृंदावन में आए हुए हैं और हम सभी उनका स्वागत करते हैं। विकास नगर में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, प्रेमचंद अग्रवाल ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। हरिद्वार में भाजपा सांसद रमेश पोखरियाल ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर कसा तंज, कहा पूरे देश में खत्म हो रही कांग्रेस, भारत जोड़ो यात्रा से नहीं होगा कांग्रेस का भला। उधम सिंह नगर में इंस्पेक्टर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला को पुलिस ने एक होटल से गिरफ्तार किया है, आवास विकास पुलिस ने एक होटल से महिला और एक युवक को पकड़ा है। उत्तराखंड में मदरसों में ड्रेस कोड और आधुनिकरण का कांग्रेस ने भी किया समर्थन, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना बोले मदरसों का आधुनिकरण अच्छी बात। लक्सर में गन्ने के खेत में आग लगी, किसानों का लाखों का नुकसान हुआ, 25 बीघा गन्ने की फसल बर्बाद। वाराणसी में कांग्रेस पार्षदों ने किया अनोखा प्रदर्शन, बजट पास करवाने को लेकर घुटनों के बल रेंगते हुए पहुंचे नगर निगम ऑफिस। बरेली में कमिश्नर ने पकड़ा धान खरीद में फर्जीवाड़ा, खाद्य विभाग के करे केंद्र पर ट्रक से निकला 125 बोरी धान कम, केंद्र प्रभारी पर एफआईआर दर्ज। अमरोहा में फूड विभाग की टीम ने नकली दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर की छापेमारी, छापेमारी के दौरान 1000 लीटर नकली दूध बरामद, धनौरा तहसील के खादर क्षेत्र का है मामला। बुलंदशहर विकास प्राधिकरण ने किया अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई, 20 बीघा जमीन में बोली प्लॉटिंग का बुलडोजर से ध्वस्तीकरण किया गया। फरुखाबाद में भी जमकर गर्जा, प्रशासन का बुलडोजर, मंदिर के आसपास बने कई अवैध मकानों और दुकानों पर चला बुलडोजर, लोगों की भीड़ को देखते हुए भारी पुलिस बल किया गया था तैनात। श्रावस्ती में डीएम ने सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनकर दी बच्चों को शिक्षा, लोगों के बीच डीएम की क्लास बनी चर्चा का विषय। एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान आपकी।